हेलो, आप देख रहे हैं सैल्बियन। और आज ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इग्नू ने अपने री रजिस्ट्रेशन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। आप अपना जुलाई का री रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं, जो जुलाई 2021 से शुरू हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट भी दे दी गई है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस किस को अपना री रजिस्ट्रेशन करना है। BSc, BCom, BAG, BCA, MCA, MBA, किस किस को अपना रजिस्ट्रेशन करना है और कौन कौन जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जैसा यहाँ पे जाओगे तो इस पर आपको कोई भी लिंक नहीं मिलेगा कि आपको री रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी लिंक नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या है, मैं एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर आप जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये लिंक। ignu.smart.edu.in पे जाएंगे तो आपको एक यहाँ पे अपना न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नहीं तो अपना यहाँ पे, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, आप पहले से रजिस्ट्रेशन करते आए हैं, तो यहाँ पे ऊपर अपना यूजर नेम में अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, नीचे पासवर्ड डाल के अपना कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको उसमें एक री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले साल का री रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है तो आपको सेकेंड ईयर का करना है। अगर BA, BCom और BSc वगैरह जो बैचलर डिग्री है 3 3 साल की, तो उनको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन आगे करना है, ठीक है। और अगर कोई मास्टर डिग्री का है तो फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी उन्होंने किया है, तो सेकेंड ईयर का उनको अपना फाइनल ईयर का अपना री रजिस्ट्रेशन करना है। तो आगे को जैसे री रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने कोड चूज करोगे, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाया है कि री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप उसको देख सकते हैं। और आपको फ़ी वगैरह पे कर देनी है और आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी ये री रजिस्ट्रेशन जो है जुलाई से काउंट होगा, और ये पहले इस इग्नू में क्या है, एग्ज़ाम से पहले ही अगले साल का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। यानी कि जिनके एग्ज़ाम जो है जून में होने वाले हैं और जुलाई से नेक्स्ट सेशन उनका शुरू होने वाला है, उसकी फ़ीस जो है वो पहले ही शुरू हो जाती है। आप उस बैकलॉग को क्लियर करते रह सकते हैं। आप पास हो या कोई सब्जेक्ट में बैक आए तो उसको आप आगे फर्दर एग्ज़ाम में, 6 महीने में, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो नए स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे तो अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुए, दोबारा फ़ीस जमा हो रही है, सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, वो पहले ही होता है, आपकी एडमिशन शुरू हो जाएगा, आपकी बुक्स आएंगी, उसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, तो इसलिए ये सब पहले होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। जो री रजिस्ट्रेशन है, BSc, BCom और जो MA वगैरह है, जिन्होंने जो जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, उनका एक साल हो जाएगा जून में। तो जून में, तो फिर जुलाई से उनका दूसरा साल शुरू हो जाएगा 2021 से। तो उनका जो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का जो रजिस्ट्रेशन है या तीसरे साल का जो रजिस्ट्रेशन है, वो जो है अभी हो रहा है, और इसकी जो जो डेट की गई है वो 15 जून की गई है। हालांकि ये जो है डेट आगे बढ़ेगी, अभी इतना कोई घबराने का कोई इश्यू नहीं है, पूरा जून तक ये डेट रहेगी, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा जो है सेमेस्टर बेस्ड जो एग्ज़ाम है, जैसे MBA हो गया, PCAP और MCA हो गया, तो जो ये इनका क्या है, हर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन होता है, हर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन होता है और हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। अब जिन्होंने जनवरी में 21 में एडमिशन लिया है MBA का, उनका एडमिशन MBA हो, MCA हो, या सेमेस्टर बेस्ड जो भी प्रोग्राम है, उनके एडमिशन होते होते मार्च तक हो गया, अभी जून में उनके एग्ज़ाम होने थे, थोड़ा सा आगे पीछे डेट हो रही है, अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आए हैं। तो वो सोचेंगे यार अभी मार्च तक, तो फरवरी मार्च तक तो हमने एडमिशन लिया, अब दोबारा अगले सेमेस्टर के जो फ़ी वगैरह है वो पे कर रहे हैं। हाँ, वो तो इग्नू में क्या होता है, वो पहले ही अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम की फ़ीस शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, फिर आपका एडमिशन होगा, बुक्स आएंगी, तो और टाइम बहुत कम होता है, 6 महीना, फिर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना, असाइनमेंट जमा करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप जो है, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया, जिनका जनवरी 2021 से सेशन शुरू हुआ, चाहे उन्होंने फरवरी में एडमिशन लिया या मार्च में एडमिशन लिया, जिनका सेमेस्टर बेस एग्ज़ाम है, 6 महीने में होता है, BCA, MBA, MCA, ये सब जो है, तो उनको जो है दोबारा री रजिस्ट्रेशन लेना है अपने सेकेंड सेमेस्टर के लिए या थर्ड सेमेस्टर के लिए, करस्पॉन्डेंस सेमेस्टर के लिए, और अपनी एग्ज़ाम फ़ी, अपनी जो वो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे कर दें। और अगर फिर भी आपको कोई इसमें डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एक जो इशू आ रहा था, कई जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पूछा कि अगर बीच में हमारा गैप हो गया, मान लिया किसी का जो है दिसंबर में जो है एडमिशन लेना था,
जनवरी सेशन में उनको एडमिशन लेना था। सपोज़ बीएससी या बीए के स्टूडेंट है जिन्हें दिसंबर में एडमिशन लेना था, री रजिस्ट्रेशन करना था मतलब, और उन्होंने किया नहीं, तो वो अब ले सकता है। अब क्या हुआ, 6 महीने उनके डिले हो गए, वो अगर अब एडमिशन लेगा तो उसके एग्ज़ाम जो है आगे जो 1 साल बाद उसमें हो जाएंगे। सेम जो है अगर कोई सेमेस्टर बेस एग्ज़ाम है बीए एमबीए ये सॉरी एमबीए एमसीए वगैरह का, और जिन्होंने दिसंबर में जो है फर्दर री रजिस्ट्रेशन लेना था या उन्होंने नहीं लिया, तो उनको जो है 6 महीने का लॉस हो गया है ऑलरेडी, लेकिन वो अब अगर दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनका आगे की पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो इसमें कोई घबराने वाली इशू नहीं है। कई बार स्टूडेंट के ध्यान से निकल जाता है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करना था या री रजिस्ट्रेशन करना था, तो अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करना है। हो सकता है कि 6 महीने का आपकी पढ़ाई में गैप आ गया हो। तो समझ गए होंगे कि किनको री रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने जुलाई 2020 में जो मास्टर डिग्री है या बैचुलर डिग्री है, जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था या री रजिस्ट्रेशन किया था, तो उनका दोबारा टाइम आ गया है अभी री रजिस्ट्रेशन करने का। जो सेमेस्टर बेस एग्ज़ाम है जिन्होंने जनवरी 21 में एडमिशन लिया था, तो उनका दोबारा जुलाई से शुरू होने वाला जो सेशन है उसकी फ़ीस पहले ही जमा हो रही है, तो उनको दोबारा री रजिस्ट्रेशन करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।